तो अस्सलाम वालेकुम भाई, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पल्सर के वाइब्रेशन के ऊपर। एक जो वाइब्रेशन होती है बॉडी की होती है, एक जो वाइब्रेशन होती है हमारी कलच के बैलेंसर के अंदर से होती है। तो हमारी बाइक में कब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही थी, किस चीज की वाइब्रेशन आ रही थी, तो हम इस वीडियो में ये जानते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो हमारी बाइक जो थी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही थी, और जब हम बाइक को 100 या 100 से 110 कर रहे थे, हमारी बाइक के मिरर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही थी। उसके चलते हमें बाइक के पीछे से कुछ भी नहीं साफ नजर आ रहा, काफी ज्यादा धुंधला नजर आ रहा था। तो मैंने अपनी बाइक का बॉडी बैलेंसर भी चेक कराया था, लेकिन हाँ, बट बॉडी बैलेंसर एकदम ओके था गाइस। तो ऐसी इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो हमारी बाइक में वाइब्रेशन इतनी ज्यादा आ रही थी, तो हमारे पैरों में वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा फुटेज में आ रही थी। तो किस चीज की वाइब्रेशन आ रही थी, चलिए जानते हैं। तो इस वीडियो में चलो मैं आपको अपनी बाइक के ऊपर लेके चलता हूँ, जो हमारी बाइक में वाइब्रेशन आ रही थी। तो किस चीज की वाइब्रेशन थी, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजिम जरूर देखें। तो चलते हैं अपनी बाइक के पास। तो मैं चुका हूँ अपनी बाइक के पास, हमारी पास 750 बाइक है। तो देखिए, तो किधर इसमें फॉल्ट हो चुका तो मैं आपको यही बता देता हूँ। तो इसका जो था इंजन माउंटिंग बहुत ज़्यादा टूट चुका था, और जब इंजन माउंटिंग टूटा तो देखिए कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन आई, मैं आपको यही दिखाया था। तो इस बाइक को मैंने वाटर भर के रखा है कप में, तो देखिए कितने ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। तो पूरा जो पानी अंदर है कितना ज़्यादा हिल रहा है, तो देखिए पूरा ग्लास भी वाइब्रेशन कर रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस वीडियो में, तो कितनी ज़्यादा इस बाइक में वाइब्रेशन आ रही है। जैसे मैं आपको बताया, तो मैं इसमें सारा काम कर लिया था, तो सारा काम करने के बाद इस बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसमें कितना ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, तो हमारी बाइक स्टार्ट है, हमारी देखिए कितनी ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन आ रही है। तो अब मैं ये ग्लास में आपको दूसरी बाइक पर दिखाता हूँ, तो उसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा भी थ्रॉटल देना, तो हमारा RPM 5 से अगर 8 पर लेकर जाए तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। तो हमारे मिरर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका इंजन माउंटिंग हमारी बाइक का टूट चुका है, तो कौन सा माउंटिंग टूटा है, तो इसका राइट साइड का बैक साइड का जो इसका माउंटिंग था वो इंजन वाला टूट चुका था। किस वजह से टूटा, काफ़ी ज़्यादा हमारी बाइक ओल्ड हो चुकी थी, ओल्ड होने की वजह से हमारी बाइक जो थी वाइब्रेशन आ रही थी। तो बट मैंने इसके इंजन के बोल्ट नहीं चेक कराए, तो हमने गलती ये करी। तो हमें बट हमारे पास कोई भी कंपनी की बाइक है, तो कोई भी अदर ये कोई भी कंपनी की बाइक है, तो मेरे को उस बाइक के लाजिम सारे बोल्ट चेक कराना चाहिए, इंजन से लेकर बॉडी से लेकर टोटल बोल्ट हमें चेक कराना चाहिए। तो ये हमारा जो इंजन माउंटिंग था हमारा बाइक का, ये आला बोल्ट बहुत टाइम से लूज था, और लूज होने की वजह से हमने इसको चेक नहीं करा, हमारी वजह इसकी वजह से हमारे इस बाइक का ये आला माउंटिंग टूट गया। तो हमारा राइट साइड लेफ्ट हैंड वाला चैम्बर तो बच गया, लेकिन इसके जो सारे माउंटिंग थे टूट चुके हैं, आगे वाले और बैक साइड वाले। तो देखिए कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हमारी इस बाइक में शुरू हो गई। तो हमें ये जो पानी गिलास है मैं आपको दूसरी बाइक पर के दिखाता हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। जो इसका माउंटिंग टूटा तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। तो चलते हैं अब दूसरे बाइक के पास, तो मैं दूसरे बाइक पर आपको रख के दिखाता हूँ स्टार्ट करके। तो हमारी पल्सर 150 वो 2022 मॉडल है, तो ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, बाइक दोनों सेम ही है। तो माउंटिंग वगैरह सारा सेम ही होते हैं, 150 के 180 का माउंटिंग अलग होते हैं। तो देखिए इस बाइक को मैंने स्टार्ट करा, लेकिन इस बाइक में ज़्यादा सारी भी वाइब्रेशन नहीं, जैसे आप देख रहे हैं। हमें इसको बाइक को स्टार्ट करें, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया, तो पानी गिलास हमने टंकी के ऊपर रखा, तो आप देख सकते हैं इसमें वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल। बॉडी के जो हल्की सी बॉडी के तो नॉर्मल से वाइब्रेशन लेती है, लेकिन उस हमारी जो ओल्ड जो पहली बाइक थी, तो उस बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी। तो इस बाइक में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं इस बाइक का थोड़ा दे रहा हूँ, लेकिन इसमें वाइब्रेशन नहीं है, पानी का गिलास जो है हमारा एक जगह रुका हुआ है। तो जो हमारी दूसरी बाइक थी उससे पानी का गिलास भी नहीं रुक रहा, और वाइब्रेशन इससे कहीं ज़्यादा है। तो देखिए हम इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको रखकर दिखाता हूँ इसमें कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो देखिए पूरा पानी का गिलास पूरा हिल रहा है, और अंदर से जो वाटर था वो भी पूरा हिल रहा है। तो अगर हमारे पास पल्सर है हमारी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें पहले इंजन की गाड़ी के बोल्ट चेक कराना चाहिए गाइस। अगर हम इंजन के बोल्ट नहीं चेक कराएंगे, इंजन माउंटिंग हमारे बाइक का टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी, हम गाड़ी का टुकड़ा देंगे तो उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आएगी, और हमारे बाइक के मिरर में भी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे बाइक की फुटेज में भी वाइब्रेशन आएगी, हैंडल में भी आएगी, मिरर में भी आएगी। तो इसकी वजह से हमारी बाइक में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो हमारी बाइक का जो इंजन माउंटिंग था राइट साइड वाला, वही बुरी ढंग से टूट चुका था। वो किस वजह टूटा मैंने आपको बताया, हमारी बाइक काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी, तो हमने उस बाइक के इंजन के बोल्ट भी नहीं चेक कराए थे, इसकी वजह से ये पूरा टूट गया। तो मैं इसका इंजन माउंटिंग जो है राइट साइड का नया डालूंगा, और नया डाल के फिर बाइक स्टार्ट करूंगा। तो अब मैं इस बाइक को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, जो हमारा राइट साइड का देखिए पूरा माउंटिंग इंजन माउंटिंग टूट चुका है। तो गाइस अगर हमारे पास किसी कंपनी की बाइक है, तो मैं एक बार लाजिम उसके इंजन का बोल्ट लाजिम चेक कराना चाहिए। जब हम बाइक न्यू लेते हैं, हमारे बाइक का सारा बोल्ट ढीला हो जाता है, हमें बोल्ट नहीं चेक कराते, तो ऐसी गलती नहीं करना। अगर हमारे पास किसी कंपनी की बाइक है, तो हमें लाजिम इंजन का बोल्ट लाजिम चेक कराना चाहिए। जब हम उस बाइक की फुल सर्विस कराएं, तो टोटल सारा बोल्ट चेक कराना चाहिए। ये इंजन का बोल्ट जो था काफ़ी टाइम से लूज था, लूज होने की वजह से हमारा इंजन माउंटिंग टूट गया। तो इंजन माउंटिंग टूट गया, लेकिन हाँ बट चैम्बर बच चुका है। अगर ज़्यादा काफ़ी दिन पुराना हो जाता तो हमारे बाइक का ये जो था चैम्बर भी टूट जाता। तो चैम्बर हमारा बच गया, लेकिन बाइक बट ऐसी गलती नहीं करना। ओके गाइस,
कोई प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, तो मैं सोचा चले मैं आपसे शेयर करूँ, तो हमें इस चीज़ को लाजिम ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी छोटी जो चीज़ होती है हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके गाइज, ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह।